सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम, उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहा है। हम बहुत बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, सौभाग्य क्या सौभाग्य है, हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए, सिस्टम, सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है तीन तीन महीना तक, हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता है, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीजिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा उठाए आपकी मजबूरी का फायदा, आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलने चाहिए उनको। हाँ। ऐसा है तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे यार झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के उब जाते हैं तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए बदलना चाहिए, कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है गलत नाम रखा। हो गए सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखे हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। फिर भलती बात है ना, देखिए हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है, एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हमी को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया? आपने किसका? किसका? अरे उसका। किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा उसका। किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? किसका? 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 वही तो। किसका? किसका चोपड़ा? अरे किस, हाँ कौन चोपड़ा ना, कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा उसका, हाँ उसका, फिर हाँ तो और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है, सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं। हमारा अपना संपत्ति है तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे तो फिर इनको जेल में ले गया, बोले थे हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गया, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो यही यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो है वो लॉक करके रखे गए हैं। लेकिन उनका चेन, चेन से बांध के रखा हुआ है, आप ही लोगों की वजह से। ये लोग ले टॉयलेट का डब्बा चेन से मान दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब प्यासा कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सड़क जाइए। ये मुद्दा हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था, हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यासा प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है, मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया।
कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया, अब मेरी जो लैटरिन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लैटरिन रोक लो, दो दिन क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है, उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए, जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है, वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है अब सिस्टम से। डरा हंटर से? मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? हंटर कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखे। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा, ये हंटर जो आपने लिया है। हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, हाँ। आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पावल है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर को तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष के जाने पिज्जा का स्वाद, ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये सिस्टम। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही, कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे हंटर चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, आप दोनों मौसेरे भाई हैं। देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं होता है वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, बेचारी भैंस का क्या दोष? भी तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूंछ उठा के देखिए गाना गाती है कि नहीं। अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका, हम भैंस है ये? नहीं 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 नहीं। तो इनका मुद्दा ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार भैंस बोला है अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध ये आपको दिया जाएगा, इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है, कप्पू दूध आज ही खरीदें। जी कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हैं, हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जल से लगा रखा है, दूध है, बनियान है, ये है वो है, हम ऐसा आएंगे? अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ, मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं। अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर कब उसको बना रहे हैं? अरे आप ऐसे कैसे मार सकती हैं? ये लीजिए, मार रहे मारिए, अरे मारिए, लग गया है। क्या क्या? अरे वो ऐड बना रहे हैं आप, हमें काय मार रहे हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए आप ना, आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए चलिए हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए, अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा, ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे, कुआं में नहीं डूबे हैं तो खींचेंगे खींचेंगे कुआं में। काम क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती है। काम क्या कह रहा था? ए हर बार लड़के जाती है। काम क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती है आप, इस बार संगीत पाली टोल की नहीं जाएगी। Like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates from Free TV.